हम यहाँ रुके हैं और हमारा हो गया पोपट। सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं अदनान जफर हूँ। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वहाँ पर ना व्लॉग बनाने की खुशी में वीडियो का स्टार्टअप करना भूल गया। मैं यहाँ पर घर आकर वीडियो का स्टार्टअप दे रहा हूँ। तो हम नहीं नहा पाए थे, दिल भी नहीं था। आज जा रहे थे घर, घरों में नहा लिया, माँ के भाई साहब हैं, घर जा रहे थे यार नहा लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है। इर्द गिर्द का माहौल है, नज़ारा है, ये आई थी व्यू भी है, जानवर भी नहा रहे हैं। बाइक हवा लगेगी ये खुश हो जाए, हाल है धूप की है तो ठंडी भी नहीं लगेगी। मैंने नहा लिया, कैमरा पकड़ूंगा, छोटा भाई नहाएगा। चले भाई आ गए। ये देखें ये जवान अब इसमें जा रहा है नहाने, बहुत मज़ा आ गया। सर्दी भी नहीं लग रही है, ऐसे मैं डर रहा था कि ठंड है ये है वो है, कोई भी ठंड नहीं। हाँ कैसा लगा? अभी है इसको बुखार, इसकी तबीयत खराब है। हाँ चला दे टॉयलेट वगैरह निकाल लिया था साहब अपना है, टॉयलेट वगैरह निकाल लिया टॉयलेट। ये प्लास्टिक का पाइप है, जैसे वहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको सोलर पैनल, ये कि सोलर पैनल से चल रही है। मैं इधर दरख्त की छाँव में इधर खड़ा हूँ, नहाया भी हूँ फिर भी धूप बहुत तेज़ है ना, तो धूप लग रही थी, गर्मी गर्म धूप लग रही है। देखिए ये तो प्यास लग रही है, ये पानी पीना इसने स्टार्ट कर दिया। ये हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये रोड है सामने, रोड से गुजर रहे थे, फिर हमने ये माहौल देखा VIP, तो हम यहाँ रुक गए। हमसे आगे नहीं गया गया, हमने कहा आप नहा ही लेते हैं, नहा के ही जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने जो व्लॉग बनाया था विलेज स्विमिंग पूल जो बनता वहाँ पर हम नहाए, तब से मैं न टूर पे गया हूँ, न कहीं घूमने गया हूँ, न बाहर। यही व्लॉग इतना मसरूफ लाइफ हो गई है तो टाइम ही नहीं मिलता। ये भैंसा यहाँ आया हुआ है और ये गाय भी बांधी हुई है, ये सारे नहा रहे हैं मज़े से। मैंने आपको बताया था व्लॉग में बताया था कि भैंसों को नहाने का बोझ क्यों बहुत ही ज़्यादा, ये जितना ये नहाते रहे सारा दिन नहाते ही रहेंगे, ये थकती नहीं। चलते हैं अंदर, मुझे तो बहुत गर्मी लगने लगी है, गर्मी लगने लगी थी इसलिए पानी किया था कल। कैमरा गीला हो सकता है इसलिए एक हाथ अब खुश हो गया ना, मोबाइल को पकड़ा हुआ वाटर प्रूफ नहीं है। मैं हाफ हाफ नहा रहा हूँ,
आप वीडियो में बना रहे हैं, एक हाथ से वीडियो है जो टूट के और एक गीला है चला रहे हैं। हाँ फा गया, आ गया ये, चले चले चले। लास्ट टाइम हम कार के से निकलते हैं, मज़ा आ रहा है। तो इतना व्यू है, बैकग्राउंड में देखें व्यू है, पंजाब में व्यू है, आ रहे हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, पानी पी कर ना फिर चलते हैं। पानी आ गया ऊपर ठीक था, ऐसे हम डर करके नहा रहे हैं। उस टाइम जब हम तीन दिन से नहाए थे ना, तब हमने ट्राईपोर्ट स्टैंड पे खड़ा दिया था एक साइड पर, बाद नहाते रहे। एंकर जी अपने जानवरों को लेके आए, जानवर ताज़ा और फ्रेश पानी होता है, ऑफ कर जाती है यार। ये बहुत गहरा होता है ना, उसमें से पानी नीचे आ रहा है, तो फ्रेश होता है, साफ होता है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से फाइनल लास्ट बार, बाल आगे आ रहे हैं ना, बार बार बालों को पीछे खा रहे हैं पानी चल गया। ये आटे का थैला है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम यहाँ रुके हैं और हमारा हो गया पोपट, ये इसका मुंह खुल गया है ना उससे, तो वो खुल गया। अब हम देख रहे हैं इसे कोई बांधने की चीज़ मिल जाए जिससे हम बांध दें। ये मिली है हमें, देखते हैं इससे बनती है नहीं बनती। देखते हैं, ट्राई करते हैं। और इससे हम इतने मतलब ये चीजें नहीं मिलती। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, तो वो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। रास्ते में ये ले रहे थे, ये दिखाता हूँ मैं क्या है ये, तो ये ले रहे थे और मोबाइल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इतने में जी मोबाइल बंद हो गया। इसकी मुझे लगता है बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी टाइमिंग अब नहीं निकाल रहा जैसे निकालता था ना। 100 वीडियो मैंने बना लिए हैं, 100 वीडियो बना के अब ये भी जवाब दे गया है। चलें और देखते हैं क्या कर क्या होता है, क्या करते हैं। मतलब 60% इसकी बैटरी थी, इनकी 100% से अच्छी अच्छा खासी शूटिंग हो जाती थी, लेकिन अब ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। दिखाता हूँ ये है, हम इसे कहते हैं मरुंडा। तो ये वहाँ मैंने ताज़ा बनवाया था, मैंने कहा ताज़ा मुझे बना के दो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने ताज़ा बना के दिया था। ये देखिए बहुत ही स्वीट है और यम्मी है, ये देखें क्रिस्पी है, स्वीट है, मज़ेदार है। ये जब कपास आती है ना, अब जैसे कपास उतर रही है
तो ये बच्चे अपने घर से कपास उठाकर गोदी में झोली में ये शॉप पे जाते हैं। तो ये उन दिनों में ये भी बनाया जाता है, इसको मरुंडा कहते हैं। ये भी लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ लेते हैं। एक एक किलो कपास दे कर ना कोई भी खाने की चीज़ हम ले लेते थे। मैं भी करता था बचपन में, नानी अम्मा के घर जाते थे तो नानी अम्मा के घर की कपास इकट्ठी हुई थी ना, उठा जाते थे, एक किलो ले जाते थे शॉप से, ये ले लेते थे, इस तरह की चीज़ें लेते थे। ये गुड़ के शीरे से बना हुआ है, शुगर कैन है ना, शुगर कैन उसके अंदर उसका जो गुड़ बनता है उससे बना हुआ है, बहुत ही मजे का। ये ना फ्रेश खाने का मजा आता है, ताज़ा ताज़ा नरम नरम सा मज़ेदार सा होता है। जहाँ से भी आप लें फ्रेश बनवा के लें। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।